में आती है, तो ये बहुत मार्केट इस वजह से। आराम से खा, आराम से। जैसे कि हम चार लोग एक घंटे के बाद फिर आप खाना खाओगे, यही चाहिए। हाँ, एक घंटे के बाद फिर खाना, बिल्कुल। ये सब मीठा है? हाँ, मीठा है सब, मीठा है भाई साहब। तो मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर, और ये है मेरे पीछे हज़रतुल शरीफ का दरगाह। और इसके इलाके में मार्केट्स है, मार्केट्स में लोग अपने अपना सामान बेचने आते हैं। बहुत सारा खाना मिलता है यहाँ, कुछ मसाले मिलते हैं, पकौड़े मिलते हैं, कबाब्स मिलते हैं। तो चलो जाते हैं अंदर मार्केट में, हज़रतुल के एरिया में, और देखते हैं कि वहाँ खाने में क्या है। हलवा और पराठा, वाह। पराठा, और किसके साथ खाते हैं पराठा? ये हलवा के साथ पराठा खाते हैं? इतना पूरा पराठा? हलवा और पराठा, वाह, बहुत अच्छे। ये क्या है? कमल काकड़ी। कमल काकड़ी एक ट्राई करूँ क्या? एक प्लीज। हाँ, कमल काकड़ी। फिश है ये? फिश है। और ये क्या? मटर। फिर मटर। यहाँ पूरा बाजार लगा हुआ है, अलग अलग किस्म का खाना मिल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये क्या है? क्या ये दाल है? काली दाल। काली दाल है? हाँ। अरे वाह। और इसका क्या बनाया आपने? ये चाट बनाते हैं हम। चाट बनाते हैं इसका? हाँ। अच्छा, बना दिए, थोड़ा सा मुझे भी चखना है इसको। काली दाल का चाट और मसाले डाल के हो गया? अरे वाह, फटाफट हो गया आपका। काली दाल का चाट है, गरम है। दाल भी एकदम सॉफ्ट है। ब्यूटीफुल। वाह, मजा आ गया। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। आपका नाम मूसा है ना? मूसा मुसायन, मुसायन। ये काफ़ी फेमस है यहाँ, अलग अलग किस्म के ये अचार है ना, तो आप बताओगे क्या क्या अचार है यहाँ? मिर्ची, कम मिर्ची वाला? हाँ, ये ज्यादा वाला। लेकिन ये इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स क्या है इसमें? गाजर, मूली, साग। थोड़ा चखे क्या इसको?
बोले ना, तो अगर ये कम मिर्ची वाला है तो ये ज़्यादा टिका है। बहुत टिका है, सबके देखो टिका है, टिका है, लेकिन बहुत अच्छा है। और वो क्या है, वो काली गाजर, ब्लैक ब्लैक गाजर, ब्लैक गाजर, यह है रेड कलर की गाजर। और इससे ज्यादा दिखता है, मिर्ची ज्यादा है, टेस्ट करता हूँ ना मैं। आप वो ये काला काला गाजर है, रेड रेड कलर की, रेड कलर, ब्लैक कलर का गाजर, यह है रेड कलर की गाजर। खट्टा है, तीखा है, ऐसा अचार होना चाहिए खाने के साथ। पानी पिलाओ यार। अभी इसमें कुछ मज़ा आ रहा है। कैसे हो सर, क्या बन रहा है यहाँ बताइए? सीख कबाब, सीख टिका है। और यहाँ यहाँ हंडियों में क्या है? वाजवान, कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी वाजवान। मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जरा यहाँ मुझे दिखाओगे क्या क्या है इसमें? ये रिश्ता है, रिश्ता, ये मुर्गा है, ये मुर्गा है, हाँ, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, हाँ जी। अच्छा, ये सजा गुस्ताब है, गुस्ताब, गुस्ताब, ये रोगन जोश है, हाँ जी। गुस्ताबा दिखाओ, गुस्ताबा है, गुस्ताबा दिखाओ, ये गुस्ताबा है, गुस्ताबा है। अच्छा, वो गुस्ताबा है। तो थोड़ा सा खाते हैं क्या? हाँ, मुझे 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 ना एक प्लेट में ऐसे, हाँ आप, हाँ एक एक पीस क्या डाल रहे हो? मिर्ची कोरमा, मटन कोफ्ता, मटन कोफ्ता, ओके। अभी एक रोगन जोश, रोगन जोश, ओके। बाप सीख कबाब, सीख कबाब, अरे वाह। गुस्ताबा, गुस्ताबा, ये हो गया गुस्ताबा, और ये हो गया आइसबा। एक बार और बोलो, हाँ, ये हो गया कबाब, कबाब, हाँ, हाँ, रिश्ता, रिश्ता, रोगन जोश, चलो अभी से टेस्ट करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं। किससे शुरू करो? कबाब से, कबाब से, कबाब से, चलो कबाब से हमारा शुरू। कबाब से, ये मटन का या चिकन का कबाब है? ये हमारा मटन का है ना? जी जी जी, बिस्मिल्लाह। रिश्ता टेस्ट करो, रिश्ता, आराम से खाओ, आराम से। ये वन बाय वन आता है, पहले वही थे, ये मटन ऐसे लेके ऐसे बाइंड करके उसे फिर पकाते हैं ना ऐसे? जी जी जी, मजा आया, गुस्ताबा भी टेस्ट करो। गुस्ताबा, द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस, इसका जो स्पेशलिटी है वो अंदर से, इसके जो मटन का स्वाद है वो बाहर से मसाले हैं लेकिन अंदर से सिर्फ मटन का स्वाद आता है। अच्छा, ये जो मसालों का ओवरडोज नहीं हो जाता। गुस्ताबा कैसा टेस्ट? बहुत अच्छा। ये खाओ अभी, ये रोगन जोश खाओ। रोगन जोश खाओ, रोगन जोश तो कश्मीर का, हाँ, के सर का ताज है। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखो, ये चटनी आप टेस्ट करो, ये दूध वाली दही वाली चटनी है, और ये तीखी है। हाँ, ये तीखी है और ये दही वाली चटनी है। और ये जो खाने के बाद ठंडी ठंडी अंदर, बहुत मजेदार लगता है। ये हजम भी करते हैं ना जैसे? हाँ बिल्कुल, ये जो मूली है बिल्कुल हजम करते हैं। आपको एक घंटे के बाद फिर आप खाना खाओगे, यही चाहिए। हाँ, एक घंटे के बाद फिर खाना, बिल्कुल। तो चलो तो थोड़ा मीठा हो जाए,
आदाब। ये सब मीठा है? हाँ मीठा है सब। मीठा भाई साहब। हाँ बोलिए बोलिए। आप मुझे बताइए ये क्या क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है सब। मीठा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसको कश्मीरी बोलते हैं खंड गाजर। कश्मीरी में कहते हैं खंड गाजर। खंड गाजर। खंड गाजर साहब मान साहे क्या मुंह है रे क्या ये मत क्या क्या है साहब मुंह क्या कैसी है ये किससे बनता है ये शुगर से मैं पूछ रहा हूँ किससे बनता है बोले शुगर से आंसर अच्छा है ये पुराने जमाने में क्योंकि कैंडी नहीं होती थी तो लोग ये खाते थे ये गाजर से बनता है इसका नाम है खंड गाजर इसको गाजर कहते हैं गाजर से बनता नहीं है खंड गाजर कहते हैं ऐसे बच्चों और बुजुर्गों में दांत नहीं होते तो पिघल जाता है मुंह में तो क्या किसी को ये खा सकते हो या ऐसे ये बूढ़े थे ना जिनके पास दांत नहीं थे या बच्चे वो ये ऐसा ही हो ये जो है रवा सेमोलिना से बनता है और घी से इसे लोकल में संग्रम कहते हैं संग्रम वाह मजा आ गया मुझे मार्केट बहुत बहुत पसंद है क्योंकि मार्केट में जिस शहर में जा रहे हैं ना उसके लाइफ का पता चलता है अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और आते रहिए खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है।